हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग सब? और ये दोस्तों, सुबह की हो चुकी है जर्नी स्टार्ट। सबसे पहले उठ के मुँह धो के और पानी वानी मैं पी लेती हूँ अपना, और फिर लग गई हूँ सफाई में। उसके बाद में ही मैं फिर अपना जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि मैं थोड़ा सा अपना वेट पे ध्यान दे रही हूँ, तो उसके बाद में फिर मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। तो ये मेरी झाड़ू लग गई है, और एक्सरसाइज के बाद में मैं फिर पोछा लगा के फिर नहाना धोना करके फिर आगे का काम करूँगी। तो और आप लोग कैसे हो? और आप लोग कौन कौन वेट कम करने की सोच रहा है दोस्तों, ज़रूर बताना। और ये मैं अपने मेन जो मेरा वेट है वो मेरी टमी पे ही है, मैंने आपको कल जैसे बताया था, तो मैं अपनी वही एक्सरसाइज ज़्यादातर अपना करूँगी। तो ये दोस्तों, हमें अपने लिए ना ज़रूर चाहे आधा घंटा हम निकालें, पर हमें अपने लिए निकालना चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो सब परिवार भी ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। और जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी हमें देख के ही कुछ सीखेंगे, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखो, हम सबको टाइम दे देते हैं, घर का काम भी हम सारा कर लेते हैं, तो हमें अपने लिए भी कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, जितना जिससे हो पाए वो करना चाहिए। और ये मैंने सारी एक्सरसाइज जो की थी वो आज भी मैंने, जैसे कल भी मैंने 5 एक्सरसाइज की थी, आज भी मैंने सारी 5 ही की थी, और 5-5 मिनट तो मैंने अपना 20-25 मिनट की एक्सरसाइज की थी। उसके बाद में मैं नहा धो के और दोस्तों अपना आ गई थी मैं सीधा किचन में पूजा करके। जैसे ही मेरा काम हो जाता है अपना पूजा का, नहाना धोना, पोछा भी मैंने लगा लिया, और आज छत का काम भी मैंने निपटा लिया था। और आज मैं बनाऊंगी ये, चाहे आप इसे उपमा भी बोल सकते हो, मैं इसे ढोकला बोलती हूँ, सूजी का ढोकला। तो मैंने ये सूजी 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, और उसके बाद में फिर मैंने अपने और ऊपर के काम निपटा लिए थे। अब ये 2 घंटे मेरे हो गए हैं। उसके बाद में मैंने इसमें डाला 1 पैकेट घी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और ये 2 घंटे पहले लस्सी में इसको भिगो दो, उसके बाद में इसमें अपना इनो का पैकेट डाल दो, नमक स्वाद के हिसाब से डाल दो, अच्छे से इसको फेंक लो। और जिस हिसाब से भी आपका बर्तन हो, अभी देखने में आपको सारा दिखाऊंगी कि कैसे इसको मैं तैयार करती हूँ। तो ये मैंने अपना कढ़ाई में चढ़ा दिया है पानी, उसी के भाप से आज मेरा ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, और साथ साथ में दोस्तों मैं अपना सब्ज़ी की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मैं अपना किचन का काम एक साथ ही निपटाती हूँ सारा। तो ये मैंने 2 गिलास इसमें पानी चढ़ाए हैं, और अब मैं थाली में इसको पहले नीचे उसमें तेल लगाऊंगी, थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो भाप से चिपके ना। तो ये जो घी लगा लो या फिर रिफाइंड लगा लो, आपकी मर्ज़ी है, जिस हिसाब से भी आप लगाना चाहो, इससे हमारा जो पेस्ट है वो इस पर चिपकेगा नहीं, और बहुत अच्छे से जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो हट जाता है। तो मेरा पानी भी उबाल पे आ ही गया है, और मैंने ये चढ़ा दिया है, और मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साथ साथ में अपना इसको ढक के और इधर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी भी कर लूँगी। तो ये मैंने ढक दिया, अब बस ये 15 से 20 मिनट में इसी की भाप से ये तैयार हो जाएगा। और इधर मैं अपना आलू टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल ऐसी भंडारे जैसी सब्ज़ी में बनाऊँगी, बच्चों को पूड़ी के साथ या फिर रोटी के साथ, जो भी बच्चे खाएंगे उसी हिसाब से मैं बना दूंगी। और खाली इसमें मैंने जीरा और अपना टमाटर मैंने 2-3 का रख लिए थे, क्योंकि टमाटर की ही ग्रेवी थी इसमें, और सब 3 ही आलू मैंने बॉईल किए थे, क्योंकि दोनों चीज़ जब हो जाती है नाश्ता करो फिर उसके बाद में जितना सब्जी रोटी खानी है जो खाना है वो अपना हिसाब से अपना बच्चे खा लेते हैं। तो जब तक मेरी सब्ज़ी इधर तैयार होगी तब तक मेरा ढोकले की भी तैयारी हो जाएगी, भाप से अच्छे से वो पक जाएगा। और बस, और आप लोग बताइए दोस्तों कि जैसे कि मैंने जो ये 32 बार वाला फॉर्मूला पर कल से जैसे मैंने स्टार्ट किया है, इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो और क्या करना होता है। जैसे मुझे इसके बारे में इतना अभी नॉलेज मैं ले रही हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ भी पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में।
और अगर मेरे साथ साथ में कोई और भी आप जैसे भी कम करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को हेल्प वो करना, सपोर्ट करना। और ये देखो मैंने आलू अपने कर दिए हैं, मसाला इसका तैयार हो गया था, अब इसमें हल्दी अच्छे से चढ़ जाएगी तो ये अच्छे से पक जाएगा। और ये मैंने हरी मिर्ची भी थोड़ी सी काट के रख ली थी, और बस मेरी लगभग वैसे एक उबाल आएगा, मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और साथ में दोस्तों मैंने ढोकला की चटनी तैयार कर ली थी, इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन दो तीन पोत लिए थे, और मेन इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है हींग, और मैंने इसमें डाला था साबुत धनिया और पिसा हुआ धनिया, दोनों ही डाल लिए थे मेरे पास जो थे वो, और स्वाद के हिसाब से नमक। और फिर मैंने ये खट्टी मीठी भी चटनी तैयार की थी, और सच्ची बताऊँ आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इसके साथ में चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ये सब्जी भी मेरी बाल तैयार की है साथ साथ में, और अगर मेरी चटनी भी तैयार हो गई है, ये मैंने गर्म मसाला डाल दिया इसमें स्वाद के हिसाब से, धनिया वगैरह मैंने काट के रखा है, अभी थोड़ी देर में इसमें कर देंगे। और इधर मैं अपना ढोकला भी चेक करूँगी, मेरा वो भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और इनको भी पसंद है, और हम मतलब चारों ही खा लेते हैं इसको अच्छे से नाश्ते के, अगर ये खा लो तो दोपहर तक इसकी बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो ये देखिए मैंने चेक किया है, तो अभी थोड़ा सा कमी है एक दो मिनट की, तो क्योंकि चाकू से आप इसको चेक करोगे, अगर इसमें लग के आ रहा है तो मतलब अभी ये पका नहीं है। तो मैंने ये फिर दो मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब ये देखो ये चाकू पे अब लग के नहीं आ रहा है, ये मेरा तैयार हो गया है, और बस अभी से मैं निकाल के और तड़के की तैयारी कर लूँगी। और इसमें बस हरी मिर्ची चाहिएगी और अपनी सरसों, आटा मैंने लगा लिया है, बस ये ना करके इसमें तड़का लगा देंगे, सब्जी तैयार हो गई है, आटा भी मेरा लग गया है, ये मैंने हरी मिर्ची भी अपना लंबी लंबी काट ली थी, और ये सरसों है, और ये मेरा तड़का लग के तैयार हो गया। और दोस्तों बताना आप लोग इस स्टाइल में खाते हो नहीं खाते हो, और आप ज़रूर इस स्टाइल में तैयार करना, मैं बच्चों को दे देती हूँ। कल मिलते हैं दोस्तों, हर एक